Guys, English is not our mother language, but however, it is necessary to learn it. If we have to make our language great in the world, that it is too important for us. Guys, English हमारी मातृभाषा नहीं है, लेकिन फिर भी यदि हमें अपनी मातृभाषा को दुनिया में महान बनाना है तो ये हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एन अकेडमी में, माइसेल मिराले। जैसा कि आप जानते हैं, आज का वीडियो लेक्चर मेरे पिछले दो वीडियो लेक्चर का पार्ट थ्री है। मैंने पहले वीडियो लेक्चर में ये बताया था कि सब्जेक्ट के फॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं, जब सब्जेक्ट किस किस चीज का यूज किया जा सकता है। पार्ट वन में मैंने उस चीज को बताया था, जबकि पार्ट टू में मैंने ये बताया था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचाने कैसे। और भी कुछ तौर पे मैं इस वीडियो लेक्चर में भी थोड़ा सा रिवाइज कर लूंगा, ताकि आज का जो वीडियो लेक्चर कॉम्प्लीमेंट वीएस ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का जो पार्ट थ्री वीडियो लेक्चर है उसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो बिना देर किए हुए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को सीखते हैं, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट को सीखेंगे। क्योंकि ऑब्जेक्ट एक ऐसा टाइप्स है, एक ऐसा यूज है, एक ऐसा वर्ड है जिसके बिना कॉम्प्लीमेंट को आप सीख नहीं सकते हैं। और यदि आपने ऑब्जेक्ट को सही तरीके से पहचानना सीख लिया तो फिर यकीन मानिए आप दुनिया के किसी भी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट को पहचान सकते हैं। याद रखिए गाइज, आज का वीडियो लेक्चर यदि आप एक एडवांस लेवल के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको ऑब्जेक्ट और इसके टाइप्स को भी बताऊंगा। आप तो ऑब्जेक्ट के टाइप्स को, खासतौर से दो टाइप को तो जरूर जानते होंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन आज का जो टाइप्स है मैं उसमें तीन ऐसे कॉन्सेप्ट को भी ऐड कर रहा हूं जो कि शायद आप इससे पहले नहीं जानते हो। और यदि आप नहीं जानते तो फिर पूरी वीडियो लेक्चर को देखें, क्योंकि मैं एक तीन स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट लेके आया हूं। क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली पांच टाइप्स के होते हैं, वो दो टाइप्स के नहीं होते। जब आप ऊपर पढ़ेंगे, ऊपर लेवल में पढ़ेंगे और खासतौर से अच्छे एग्जाम्स में बैठेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट का भी यूज किया जाता है, कॉग्निट ऑब्जेक्ट का भी यूज किया जाता है और रिटेन्ड ऑब्जेक्ट का भी यूज किया जाता है। यदि आप नहीं जानते हैं तो फिर वीडियो लेक्चर को पूरी देखिए और सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को पहचान करना सीख लेते हैं, तब जाके कॉम्प्लीमेंट पे काम करेंगे। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म होता है या फिर कारक। कर्म का मतलब क्या होता है कि काम का नाम। यदि मैं किसी काम को करता हूं तो उस काम का नाम क्या है? मैं पढ़ाता हूं, ये मेरा काम है, तो फिर मैं क्या पढ़ाता हूं? तो काम का नाम है ना कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हुआ यानी कर्म हुआ। कारक, कारक का मतलब किसके लिए काम किया जाता है। मैं पढ़ाता तो हूं लेकिन किसको पढ़ाता हूं? तो आप लोगों को पढ़ाता हूं या फिर स्टूडेंट को पढ़ाता हूं, तो वो भी मेरा ऑब्जेक्ट हुआ। इसी को कहा जाता है कर्म या फिर कारक। डेफिनेशन होते तो नहीं है लेकिन मैंने छोटा सा एक बनाया है कि द नेम ऑफ एक्शन, एक्शन के नाम को यानी वर्ब जो होते हैं, जो मेन वर्ब होते हैं उसके नाम को, या फॉर विच जिसके लिए एक्शन इज डन, जिसके लिए काम को किया जाता है यानी कारक को, आर कर्ल्ड या फिर इज कर्ल्ड ऑब्जेक्ट, उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। काफी सिंपल मैंने डेफिनेशन रखी है। यदि आप ये समझ गए तो फिर जरूरी नहीं पढ़ने वाला है कि फिर ऑब्जेक्ट होते क्या है। अब ध्यान दीजिए कुछ एग्जाम्पल्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ही प्लेज क्रिकेट, वह खेलता है। ही यहां पे सब्जेक्ट है, नहीं जानते हैं, नहीं समझ में आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और वीडियो लेक्चर पार्ट टू जरूर देखिए, आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। मैंने उस वीडियो लेक्चर में बताया था। प्लेज वर्ब है यानी खेलता है, वह खेलता तो है लेकिन इस काम का क्या नाम है यानी खेलने का क्या नाम है, क्या खेलता है वो? तो क्रिकेट खेलता है। तो क्रिकेट जो है वो मेरा ऑब्जेक्ट है यानी कर्म है इस सेंटेंस में। अगला सेंटेंस है यू अब्यूज मी, यू अब्यूज हिम, तुम गाली देते हो उसे, तुम गाली देते हो उसे, गाली देते हो। अब यहां पे कर्म नहीं है, यहां पे गाली तो देते हो लेकिन उसे गाली देते हो यानी किसी के लिए ये काम किया जा रहा है यानी कारक, किसी पर ये काम हो रहा है, किसको गाली देते हो? उसे गाली देते हो। तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है। तो ये दोनों डिफरेंट टाइप का ऑब्जेक्ट है, इसीलिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ट्रीट किया जाता है सेंटेंस में। आपके सामने मैंने एक तीसरा एग्जांपल रखा है, काफी इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दीजिएगा कि सुमन गेव मी अ पेन, सुमन मुझे दी, क्या दी? एक कलम दी। अब यहां पे दोनों यूज हो रहा है, कर्म भी हो रहा है कारक भी, मतलब सेम है, लेकिन जब आप समझेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा, बेहतर कोशिश तो आप कर सकते हैं समझने का। सबसे पहले वर्ब को पकड़िए कि सुमन ने तो मुझे दी, क्या दी? काम का नाम, क्या दी? कलम दी, क्या दी? कलम दी। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट। किसे दी यानी ये जो काम हुआ वो किसके लिए हुआ, किसके लिए किया गया यानी एक्शन इज डन
एक्शन तो हुआ, लेकिन किसके लिए हुआ? मेरे लिए हुआ, यानी ये जो देने का काम है वो मेरे लिए किया गया, इसलिए मैं भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हूँ। और किसने दी? तो सुमन ने। ये तो मैंने सब्जेक्ट के लिए बताया है, वीडियो पार्ट टू में मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, आप उसको भी जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हुए, एक ये और एक ये दोनों डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और इसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। मैं अभी आपको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या फिर रिफ्लेक्सिव या कॉग्नेट या फिर रिटर्न्ड ऑब्जेक्ट के बारे में बता नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। अब मैं इसके बाद आपको टाइप्स के बारे में बताऊंगा। अब जो हमारा टॉपिक है कि कितने टाइप्स के होते हैं ऑब्जेक्ट, बेसिकली ऑब्जेक्ट 5 प्रकार के होते हैं, आपके सामने मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ। जो पहला प्रकार होता है वो तो आप जान ही रहे हैं, डायरेक्ट काफी इजी होता है। यदि आप नहीं जानते फिर भी मैं इस चीज को अभी कवर यहाँ करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, ध्यान से वीडियो लेक्चर को देखते जाइए। दूसरा इनडायरेक्ट होता है और तीसरा जो है वो काफी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम लोग कॉग्नेट के नाम से जानते हैं। जो चौथा होता है वो रिटेन्ड होता है। यदि आप एडवांस लेवल के स्टूडेंट हैं तो इसको काफी गौर करने वाली बात है, इसको काफी गौर करना है आपको। और जो पांचवा होता है वो रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट होता है। इन पांचों को अभी मैं कवर करूंगा बारी बारी से। मैं पहले डायरेक्ट को बता दे रहा हूं फिर इनडायरेक्ट को बता दे रहा हूं। डायरेक्ट को समझना काफी आसान है। यदि किसी सेंटेंस में सिर्फ कर्म रहे या कारक रहे, यानी सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट रहे, तो ये जनरली वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इस सेंटेंस में आपने देखा कि काम का नाम दिया गया, वो खेलता तो है लेकिन क्या खेलता है? वह क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। तो इसलिए इस सेंटेंस में कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो हमारा क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है, इसलिए ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कुछ सोचने वाली बात नहीं है, जब भी किसी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट रहे तो फिर आप ये समझ लीजिए कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसके बाद यू अब्यूज मी, तुमने उसे गाली दी, यानी तुम उसे गाली देते हो। यहां भी, यहां तो कारक के रूप में यूज हो रहा है लेकिन कुछ नहीं सोचना है, एक ही ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही है। अब कंफ्यूजन कहां होता है? जहां पे दोनों हो, यहां पे किसको डायरेक्ट को है और किसको इनडायरेक्ट कहे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सुमन गेव मी अ पेन, जब भी दो ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में रहे तो फिर आपको वहां ये देखना है कि उन दोनों में से वस्तुवाचक कौन है, यानी कौन है जो नॉन लिविंग है, यानी निर्जीव है जिसमें जान नहीं है, और कौन है जो प्राणीवाचक है जिसमें जान है। एक तो यहाँ कलम है ऑब्जेक्ट है, और एक यहाँ पे क्या है? प्राणी, यानी मैं हूं, तो ये लिविंग बींग्स है। तो आपने देखा कि दो ऑब्जेक्ट है, हमेशा एक प्राणीवाचक रहेगा और एक वस्तुवाचक रहेगा। तो जब भी आप प्राणीवाचक को देखेंगे, किसी चीज को, कलम, कॉपी, दूध, पानी, तो फिर वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और जब भी किसी आदमी के बारे में बात की जाए, मेरे, उसके या राम के, तो उस टाइप में वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। मुझे नहीं लगता आप किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। अब हम बात करते हैं कॉग्नेट का, जो कि किसी ने आपको बताया नहीं होगा आज के पहले, काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले मैं इसको मिटा के इसका डेफिनेशन लिख देना चाहूंगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। गाइज, मैंने कॉग्निट ऑब्जेक्ट के डेफिनेशन लिखा है कि द ऑब्जेक्ट, वह ऑब्जेक्ट हुज मीनिंग इज कॉन्टेन्ड इन अ प्रीसीडिंग एक्शन इज कॉल्ड कॉग्निट ऑब्जेक्ट। मैंने लिखा कि वह ऑब्जेक्ट जिसका मीनिंग जो है, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि कॉग्निट का मतलब क्या होता है। कॉग्निट का मतलब होता है कि सजातीय, ये एक अच्छा हिंदी वर्ड है। यदि आप नहीं जानते हैं तो फिर इसको थोड़ा सा आप संधि विच्छेद जब करेंगे तो ये मतलब निकलेगा कि एक ही जड़ से उत्पन्न हुई किसी चीज, जो कि एक ही जड़ से उत्पन्न हुई हो, उसे हम लोग कॉग्निट कहते हैं। द ऑब्जेक्ट हुज मीनिंग इज कॉन्टेन्ड, कहने का ये मतलब कि वह ऑब्जेक्ट जिसका मीनिंग जो हो वो कॉन्टेन्ड हो, क्या हो? इन अ प्रीसीडिंग एक्शन, यानी एक्शन जो है उससे रिलेटेड हो, जिसका मीनिंग ऑब्जेक्ट के रूप में, उस तरीके के ऑब्जेक्ट को हम लोग इज कॉल्ड कॉग्निट ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल आप देखेंगे तो काफी सुंदर तरीके से इस चीज को समझेंगे। आपके सामने मैं एग्जाम्पल रखता हूं कि ही फाउट, ही फाउट अ गुड फाइट, FIGHT। सबसे पहले इसमें आप ऑब्जेक्ट पहचानने की कोशिश करिए, सब्जेक्ट ही फाउट, लड़ना एक क्या है? ऑब्जेक्ट, अरे
वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ही फाउट, उसने लड़ी या फिर उसने लड़ा, क्या लड़ा, नाम तो होगा ना उसका, फाइट लड़ा, क्या लड़ा, फाइट लड़ा, काम का नाम फाइट है, इसलिए ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में कैसा ऑब्जेक्ट है, तो कॉग्निट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट नहीं है, क्यों कॉग्निट है, क्योंकि इसका जो वर्ब है फाउट उसी से रिलेटेड इसका ऑब्जेक्ट भी, उसने लड़ा तो, देखिए फाउट फाइट, उसने लड़ा तो क्या लड़ा, फाइट लड़ा, लड़ना, उसने एक अच्छी लड़ाई लड़ी, इसलिए इस तरीके के ऑब्जेक्ट को कॉग्निट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अब दूसरा एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूं, ही इज रनिंग अ गुड रेस। अब आपको क्या लगता है कि ये सेंटेंस कैसा है, ये सिंपल सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है, वह दौड़ रहा है, सॉरी वह दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है, अ गुड रेस, वो दौड़ तो रहा है लेकिन एक अच्छी दौड़ दौड़ रहा है, देखिए दोनों में काफी सिमिलर है कि रनिंग, वो तो रनिंग कर रहा है, क्या रनिंग कर रहा है, रेस रनिंग कर रहा है, दोनों जो इसका एक्शन है वो कॉन्टेंड हो रहा है किससे, ऑब्जेक्ट से, सिमिलर है दोनों, कॉग्निट को सिमिलर भी बोला जाता है, कई तरीके से इसके यूजेस हैं जो कि मैं ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहूंगा, नहीं तो वीडियो लेक्चर जो है बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी इस तरीके के सेंटेंस देखे जिसमें वर्ब के ही हिसाब का कोई वर्ड यानी उसी से रिलेटेड कोई वर्ड एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में आए तो उस तरीके के ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं कहा जाता है, कॉग्निट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अब मूव करते हैं रिटेन्ड ऑब्जेक्ट क्या होता है, काफी इंटरेस्टिंग ये ऑब्जेक्ट है, इसको पढ़ना खासतौर से उन स्टूडेंट के लिए जरूरी हो जाता है जो एक्टिव और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को बनाने में कंफ्यूजन महसूस करते हैं। तो बिना देर किए हुए हम लोग रिटेंड ऑब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं। गाइस मैंने पहले ही आपको बताया कि जिन स्टूडेंट को एक्टिव पैसिव वॉइस में कंफ्यूजन होता है, खासतौर से यदि आप एडवांस लेवल के स्टूडेंट हैं, तो ये डिफिनेशन को जरा पढ़िए और समझने की कोशिश करिए, नहीं समझ में आया तो मैं जरूर बता रहा हूं और एग्जांपल देखिए। यकीन मानिए गाइस ये टॉपिक आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ऊपर लेवल की टॉपिक है, मैंने खुद इस पे अच्छे तरीके से पढ़ाई की है तब जाके मैं इस चीज को आपको बता रहा हूं। ये क्या है, रिटेन्ड ऑब्जेक्ट होता क्या है कि द ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट चेंज, वह ऑब्जेक्ट जो डज नॉट चेंज, चेंज नहीं करता यानी नहीं बदलता है देयर प्लेस, अपना जगह नहीं बदलता है, यहां पे वाइल होगा, वाइल मेकिंग पैसिव यानी पैसिव बनाने के दौरान जो अपने जगह को नहीं बदलता है, इट इज कॉल्ड रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। आपके सामने मैं एक छोटा सा एग्जांपल रख रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा, यदि आप पैसिव वॉइस को जानते हैं तब, नहीं जानते हैं तो भी ज्यादा दिमाग मत लगाइए, सिर्फ इस चीज को देखने की कोशिश करिए कि ये क्या हो रहा है। मैंने एक सिंपल एक्टिव वॉइस का सेंटेंस रखा, ही गिव्स मी अ पेन, सिंपल सेंटेंस है, वह मुझे एक कलम देता है। आप यहां पे देख रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मैंने बताया कि डायरेक्ट किसे कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो वस्तुवाचक हो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जो प्राणीवाचक हो। अब इन जब आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो फिर आप क्या देखते हैं, दोनों में से किसी, क्योंकि पैसिव का तो रूल ही होता है उल्टा, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस भीतरी इस तरीके से, तो जब आप इसको चेंज करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि आप एज अ सब्जेक्ट क्या यूज करें, आप पेन को भी यूज कर सकते हैं, मी को भी यूज करते हैं। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप जो है वो हमेशा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो उसको एज अ सब्जेक्ट पैसिव में यूज करें। तो जब आप इसको ऐसे बनाइएगा कि अ पेन इज गिवन, एक कलम दी जाती है, मी मुझे दी जाती है, अ पेन इज गिवन मी, किसके द्वारा, उसके द्वारा, बाय हिम। अब आपने यहां पे क्या देखा, आपने देखा कि ये जो ऑब्जेक्ट मेरा था मी, वो अपने जगह को नहीं छोड़ा यानी रिटेन नहीं किया, वो जहां का तहां ही रह गया, दैट डज नॉट चेंज देयर प्लेस, जो अपनी जगह को नहीं बदलता है। तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट को, ये जो मी है वो इस तरीके के, ये इस सेंटेंस में इस तरीके के इस ऑब्जेक्ट को हम लोग रिटेन्ड ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब आप बताइए
क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं है? यदि इंटरेस्टिंग है और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस को सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, किसी भी तरीके की एग्जाम की तैयारी में किसी भी तरीके का कंफ्यूजन है पूछना चाहते हैं, तो फिर सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा चैनल को, लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या नहीं आता है। मैं आपको हर तरीके से कोशिश करूंगा हेल्प करने का। ये बात और हुई, यदि आप इस सेंटेंस में इस मी को यानी इसको पकड़ के भी बनाते पैसिव, तो इस स्थिति में ये जो अ पेन है वो रिटेंड ऑब्जेक्ट कहलाता। कैसे? ये आई एम गिवन अ पेन, मुझे एक कलम दी जाती है बाय हिम। तो दोनों में से गलत कोई नहीं है, दोनों में से किसी को, दोनों में से किसी ऑब्जेक्ट को आप पैसिव बना सकते हैं, लेकिन उस स्थिति में जो ऑब्जेक्ट चेंज होगा वो तो सिंपल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन जो ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा उस तरीके के ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे जो है आपका अ पेन, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रिटेंड ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसी टॉपिक को मैं बताना चाह रहा था, मुझे नहीं लगता कि अब कोई कंफ्यूजन होगा। याद रखिए गाइस, वीडियो को देखने के बाद पूरा स्क्रीनशॉट लेके लिख लिया करिए कॉपी में, क्योंकि मैं सीरीज के तहत वीडियो बनाता हूं ताकि आप इंग्लिश बोल भी सके और अच्छे तरीके से एग्जाम की तैयारी कर सके। छोटा सा टॉपिक बाकी है, रिफ्लेक्सिव किसे कहते हैं, रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है वो मैं बताता हूं। आप में से शायद ही कोई ऐसा हो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में नहीं जानता हो। जब किसी सेंटेंस में खुद, वो खुद, मैं खुद, राम ने खुद, इस तरीके का सेंटेंस आता है, यानी माई सेल्फ, हर सेल्फ, हर सेल्फ, देयर सेल्फ, देम सेल्फ, तो ऑन दैट सिचुएशन उस तरीके के सेंटेंसेस को, जब उस तरीके के वर्ड्स को जब मेन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज किया जाता है, तब उस तरीके के वर्ड्स को रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट कहा जाता है। मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम्पल से आप ज्यादा बेहतर समझेंगे इस चीज को। जैसे आई प्ले माई सेल्फ, अब देखिए मैं खेलता तो हूं, कैसे खेलता हूं, माई सेल्फ, मैं खुद खेलता हूं। तो इस तरीके के जब भी आपके सामने एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो, यानी वर्ब के बाद हो, यूज जब हो, तो फिर इस तरीके के जो वर्ड्स हैं वो रिफ्लेक्सिव क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन होगा। अब जब बात हो रही है कॉम्प्लीमेंट की, तो जैसा आप देख रहे हैं कि 10 मिनट हो चुके हैं, तो मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी वीडियो लेक्चर को लंबा करूं, इसलिए मैंने ये सोचा है कि मैं अब कॉम्प्लीमेंट को अगले पार्ट में, यानी पार्ट 4 में, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट में मैं आपको ये बताऊं कि कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। गाइस, यदि आपने इस सभी तरीके को बहुत बढ़िया तरीके से कॉपी में नोट करके अगर रख लिया, तो फिर दुनिया का कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसमें आप कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट को नहीं पहचान सकते हैं। जब ये सीरीज खत्म होगा तो मैं आपके लिए प्रैक्टिस का एक्सरसाइज भी दूंगा, आप उसे कमेंट में बना के सॉल्व करेंगे जितना हो सके। मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में फिर उसको सॉल्व करके कवर करूंगा। आप देख सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही और कितने गलत है। एक दो और एग्जांपल यहां पे आप ले सकते हैं, ही washes his clothes himself, मैंने क्या लिखा कि वो धोता है, क्या धोता है, अपने कपड़े, कैसे धोता है, खुद धोता है। तो ये जो himself आया एज अ ऑब्जेक्ट में आया, तो इसीलिए इसे रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट कहा जाता है। गाइस, यदि ही के बाद यानी वर्सेस के पहले himself लगता, ही himself वर्सेस his clothes, तो उस स्थिति में ये रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट नहीं कहलाता। जब भी रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट होगा वो मेन वर्ब के बाद ही लगेगा, ना कि पहले लगेगा। यदि आपने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से कुछ भी सीखा, कुछ भी जाना, कुछ भी नया सीखा, तो वीडियो को लाइक करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर फेसबुक ग्रुप में यदि कोई पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो उनके साथ जरूर शेयर करें। हम लोग चाहते हैं कि ये जो अपना इंडिया है वो इंग्लिश में पीछे ना रहे, खासतौर से वे स्टूडेंट जिनके पास अच्छे माहौल नहीं है, तो उनको आप शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब तो एकदम करें, क्योंकि काफी जरूरी है वो आपके लिए। यदि आप इस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, गुड बाय।